हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यमी पेपर्स। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग और नई रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि इमली की चटनी, जिसे हम बहुत ही शाही तरीके से बनाएंगे। और जहाँ घी और ड्राई फ्रूट्स आ जाएँ तो वो तो शाही हो ही जाती है ना। तो हम देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम इमली लिया है, जिसकी मैंने बीज निकाल दिए हैं। इसमें मैं डायरेक्ट आपको पल्प दिखा रही हूँ। पल्प निकालने वाला प्रोसेस मैंने नहीं बताया, क्योंकि वो बहुत कॉमन है और आप सभी लोगों को आता ही होगा। जिसे मैंने निकालने के लिए 5 से 6 घंटा इमली को पानी में भिगो रखा, उसके बाद 10 मिनट मैंने गर्म किया और उसका पल्प निकाल दिया इस तरह से। तो एक बार हम इसे चला लेते हैं, काफ़ी गाढ़ा पल्प है। अब हम कुछ गरम मसाले ले रहे हैं। यहाँ मैंने 3 से 4 लाल मिर्च लिए हैं, एक काली इलायची ली है, सौंठ का छोटा सा टुकड़ा लिया है और एक तेज पत्ता लिया है, देखिए इसे। और इसे हम हल्के आँच पर रोस्ट करेंगे धीरे धीरे। इलायची को इस तरह से क्रश कर लें। तो अब हम एक छोटी सी कढ़ाई में सारे गर्म मसालों को रोस्ट करेंगे। एक एक करके हम कढ़ाई में डालेंगे इसे। यहाँ मैंने सौंठ जो लिया है उसको क्रश कर लिया हाथों से। अब इसे चलाएं, हल्के हल्के हाथों से चलाएं और इसे रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट। इसे चलाना नहीं है, ध्यान रहे। देखिए अब ये हो गया है, अब इसका ऑयल एक्टिवेट हो गया है और इसमें से बहुत अच्छी स्मेल भी आ रही है। अब हम जो हमारे पास जो पल्प था उसे एक छोटे से बर्तन में डालेंगे, सारा पल्प। और इसमें जो पल्प लगा है इसमें हम 1/2 कप वाटर डाल देंगे, थोड़ा मिलाएंगे उसको इस तरह से और इसमें डाल देंगे। हम यहाँ पे 1/4 कप पानी और मिलाएंगे, क्योंकि उबलते वक्त इसका पानी जलेगा। चलिए इसे अच्छे से मिलाते हैं। और इसे अभी हमने लो फ्लेम पे ही रखा है। अब हम जो हमारे पास जितने भी गरम मसाले थे सब इसमें मिला देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे गरम मसाला को इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और ये मैंने गुड़ लिया है, 300 ग्राम के आसपास हमने यहाँ पे गुड़ यूज़ किया है। इसे डाल दें इसमें। ये चटनी बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है, तो इसको देखें, इस वीडियो को पूरा देखें। इसे अच्छे से मिलाना है और हम इसमें 1/4 कप शुगर डालेंगे, क्योंकि हम इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट देने वाले हैं। तो इसीलिए हमने इसमें गुड़ मिलाया है और शुगर दोनों मिलाया है। और अच्छा उबाल आने दें, और जब तक हमें इसे उबालना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, क्योंकि ये चटनी हमें 1 साल तक स्टोर करके रखनी है। तो इसमें पानी बिल्कुल ना रहे, इसका मॉइस्चर पूरा चले जाना चाहिए। तो इसे हम अच्छे से, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा इसे उबालें। अब हमने यहाँ पर कुछ मेलन सीड्स लिए हैं। अब हम इसमें 1/2 चम्मच काला नमक मिलाएँगे और 1/2 चम्मच गरम मसाला मिलाएंगे। अब हम गैस का स्विच ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये चटनी ठंडे होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब हम हरी इलायची पाउडर डालेंगे 1 चुटकी, थोड़ा सा खुशबू देने के लिए उसमें, चटनी में। और जितने भी गरम मसाले हमने डाले थे उसे एक एक करके चम्मच की मदद से निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसे छान भी सकते हैं। मैंने इसे एक एक करके निकाल लिया है। और अब हम एक तड़का पैन लेंगे, जिसमें मैं 1 चम्मच घी डालूँगी और कुछ गरम मसाले डालूंगी, खड़े मसाले और कुछ ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। तो यहाँ मैंने कुछ इलायची लिए हैं, काली मिर्च लिए है, लौंग लिए है और जीरा लिया है। तो पहले हम गरम मसालों को इसमें तड़का लगा लेंगे, तड़कने देंगे और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी उसमें डाल देंगे। यहाँ हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू लिया है, बादाम लिया है, किशमिश और छुआरा लिया है। आप अपनी मर्जी से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इसे घी में डालने के बाद अच्छे से भूनें, लेकिन इसे जलाना नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट करना है, 1 से 2 मिनट हो गया ये। अब हम इसे अपनी चटनी में मिला लेते हैं। यहाँ मैं कुछ घी रोस्टेड मखाने भी डालूंगी, देखिए अब मैं इसे मिला लूँगी। ये चटनी आपकी बनके तैयार हो गई है। तो अब आप इसे 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं अपने फ्रिज में, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें पानी वाली चम्मच नहीं लगनी चाहिए। देखिए तैयार हो गई है, एकदम शाही लग रही है ना। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एंजॉय करें इस चटनी को समोसे, कचौड़ी और पकौड़ों के साथ।